get on together. हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हुशाद। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सोनम अर्जुन के साथ रेस्टोरेंट में करीना। करीना कपूर, सोनम कपूर, रिया कपूर और अर्जुन कपूर इन दिनों लंदन में हैं। वहीं अर्जुन अपनी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग के लिए वहां पर हैं। चारों ने लंदन में एक दूसरे से मुलाकात की। शाहरुख की कजिन लड़ेंगी चुनाव। शाहरुख खान की एक रिश्तेदार पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाला आम चुनाव लड़ेंगी। नूरजहां खैबर अपने परिवार के साथ शाह वाली कटाल इलाके में रहती हैं। वो दो बार शाहरुख खान से मिलने जा चुकी हैं। दोनों परिवारों के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। रस भरी स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आने वाली है जिसका नाम रस भरी है, जो एक स्कूली छात्र पर आधारित है जिसका अपने टीचर के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है और ये मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सलमान से खुश अनिल कपूर। अनिल कहते हैं सलमान के साथ काम करने का जब भी मौका मिलता है तो उन्हें खुशी होती है क्योंकि उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग रही है। रेस 3 जैसी फिल्में हिंदुस्तान में बनती रहनी चाहिए, वो इस तरह की फिल्में एंजॉय करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी डाकुओं दा मुंडा। पंजाबी फिल्म डाकुआ द मुंडा का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म का निर्देशन मनदीप बेनीपाल ने किया है और फिल्म में देव खरौत, पूजा वर्मा, जगजीत संधु, कुलजिंदर सिंधु, अनीता मीत और हरदीप गिल ने अहम भूमिका निभाई है। पीवी संधु के बायोपिक में दीपिका। सोनू सूद रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली फीमेल इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पर फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए कौन सी एक्ट्रेस परफेक्ट होगी, सवाल के जवाब में पीवी संधु ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया है। झुंड में शामिल अमिताभ बच्चन। अमिताभ नागराज मंजुले की पहली हिंदी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन नागराज ही करेंगे। फिल्म का नाम झुंड होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर की भूमिका वाला होगा। ऋषि कपूर खाएंगे राजमा चावल। ऋषि कपूर फिल्म राजमा चावल में पिता के रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म की निर्देशक लीना यादव है। फिल्म में अनिरुद्ध तंवर और अमायरा दस्तूर भी नजर आएंगे। अनुपम खेर को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अनुपम खेर को भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए इस महीने बैंकॉक में होने वाले 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रणवीर ने लिया नया घर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल 19 नवंबर को शादी के बंधन में बन सकते हैं। उनकी शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब रणवीर ने बांद्रा के श्री अपार्टमेंट्स में नया घर ले लिया है जहां वो शादी के बाद दीपिका के साथ रहेंगे। छोटे पर्दे पर रेखा के जलवे। स्टार प्लस पर शुरू होने वाली सीरियल दिल है हिंदुस्तानी 2 में रेखा जज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। ये एक रियलिटी शो है। ये शो संगीत के जरिए भारतीयता का जश्न मना रहा है। सिम्बा की दहाड़ शुरू। 3-स्टार पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, जो दे तो त्रास त्या चमी खे तो क्लास। पागल हो गया, संगड़े लोग क्यों बोल रहे हैं? अरे सर, करण ने हां सिंह अमृता सेट आए। अल्लाह अमृता सिंह। ए ए All that madness and more, 28 December at a theater near you, Simba. Marathi film Sola ka trailer launch. इवेंट में सचिन पिलगांवकर, विक्रम गोखले, शिल्पा तुलस्कर आए और कोमल नहाटा के साथ पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म का निर्माण अरिहंत फिल्म प्रोडक्शंस बैनर कर रही है जिसके निर्माता हैं सुरेश गुंडेचा और सोहन भोकाडिया। फूडी है कैटरीना। कैटरीना ने कहा मैं स्ट्रीट फूड के लिए मरती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली में आपके लिए कई विकल्प है। वहाँ बंगाली मार्केट की चाट कबाब से लेकर चांदनी चौक के पराठे, मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। फिल्म क्यूपिड में जस्टिन बीबर। मशहूर गायक जस्टिन बीबर एनिमेटेड फिल्म क्यूपिड बना रहे हैं जिसमें वो मुख्य पात्र को अपनी आवाज देंगे। उन्होंने क्यूपिड को एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म बताया जिसमें प्यार और रूप की देवी वीनस के बेटे गॉड ऑफ लव को दिखाया जाएगा। रिस्क लेते हैं रणबीर कपूर। परेश कहते हैं रणबीर कपूर ने किरदारों को लेकर कमाल किया है, इससे पता चलता है कि एक एक्टर में एबिलिटी क्या है। रणबीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फिल्म हिट हो या फ्लॉप। निकलोडियन चैनल पर रुद्र। निकलोडियन ने प्रिंस ऑफ मैजिक रुद्र बूम चिक चिक बूम लाने की तैयारी कर ली है। रुद्र एक मैजिक कॉमेडी सीरीज है। यह निकलोडियन के नन्हे दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार है। इसका प्रसारण 11 जून शाम 7:25 पर निकलोडियन पर किया जाएगा। बेरोजगार दिव्या भारती की बहन। कायनात अरोड़ा दिखने में अपनी बहन दिव्या की तरह बेहद खूबसूरत है। कायनात को फिल्म ग्रैंड मस्ती में देखा गया था। फिलहाल कायनात पंजाबी फिल्मों में काम कर रही है। उनको तमिल फिल्म मन कथा में भी देखा गया था।
मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए मायापुरी कट।